इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कम से कम क्या रूटीन इख्तियार करें कि डायबिटीज और बाकी क्रॉनिक डिजीजेस से दूर रह सके। जी, दैट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन. तो एक तो जो ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं जिसमें हमारा हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जोड़ों का मसला होता है, ये सारे डायबिटीज़ और ओवरवेट होने से रिलेटेड हैं. तो इट वुड बी द सेम थिंग कि हम बचपन से ही अपने बच्चों में और खुद ही हम अपनी डाइट प्रिडोमिनेटली प्रोटीन रखें, हेल्दी प्रोटीन रखें और अनप्रोसेस्ड प्रोटीन हो. ये नहीं हो कि वो सलामी और सॉसेजेस खाए जा रहे हैं, कि आप अंडा लें, उबला हुआ अंडा नाश्ते में खा लें इंस्टेड के ब्रेड. लोग समझते हैं डबल रोटी छोटी सी होती है लेकिन उस छोटी में बहुत पैक्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. तो आप प्रोटीन ज़्यादा फोकस करें. स्नैक का दिल कर रहा है बिस्किट के बजाय आप बादाम खा लें रात को, वही या तो आप खाना जल्दी खा लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे हम कहते हैं, कि 6 बजे 7 बजे खाना खा लिया, अगले दिन सुबह 10 11 बजे नाश्ता कर लिया. और इसके अलावा मीठा बचपन से ही कम रखें. जो चीज़ हम नहीं खाएंगे, हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, उसका उनका टेस्ट उस हिसाब से डेवलप होगा, तो उनको उस चीज़ की आदत ही नहीं पड़ेगी. और ये कि हेल्दी एक्सरसाइज, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, डाइट को कंट्रोल करें और एक्सरसाइज अच्छी रखें, तो इंशाल्लाह डायबिटीज़ और दूसरे क्रॉनिक डिजीज़ से हम फिर बच सकते हैं.